एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज दीपा सरोज। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखो जितने भी माइनिंग एग्जाम हो रहे हैं ना, जितने भी माइनिंग एग्जाम होंगे फर्दर, तो उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है आज का, वो है वेरियस गैसेस इन माइंस। ओके, तो आप सभी को पता है कि माइंस में, जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारी गैसेस होती हैं, विषैली गैसेस हैं। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज ही हम देखेंगे इसमें, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। और कुछ फैक्ट्स जो है, जैसे कि कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे, तो उससे रिलेटेड कितने फैक्ट्स हम जान सकते हैं और कितना हमें जानना चाहिए एज अ माइनिंग स्टूडेंट, वो इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जुड़े नहीं हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स जिनसे अपने फ्रेंड्स से भी, और जिनको आपको लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपको इससे PDF चाहिए, जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF चाहिए आपको, तो आप जो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस की PDF मटेरियल मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि UPSC माइनिंग इंस्पेक्टर की क्लासेस जो है वो क्रैश कोर्स बन के आपको मिल जाएंगी। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो आप उसको परचेज कर सकते हो, दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको क्लासेस के और जो PDF मटेरियल है वो सारे चीज आपको अवेल हो जाएंगे। ओके, तो इतनी जानकारी आपको देनी थी। फिलहाल चलते हैं अपने क्लास की तरफ फटाफट। चलो फिर, देरी क्यों करना, चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज कलर। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो भैया यही कह रहा है कि देखो, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा गैस है जिसका कलर होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि ये गैस है, ऐसा कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता। बस वही, ठीक उसी तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा गैस है जो कलरफुल होता है, जिसमें जिसका कलर होता है ना, जिसको आप देख के पहचान सको कि हाँ भैया ये गैस है। ठीक है, तो हम पहले तो सब कुछ जान लेते हैं। देखो कि हम देखो ऑप्शन दिया, फायर डैम, व्हाइट डैम, ब्लैक डैम, नाइट्रस फ्यूम्स। ठीक है, देखो फायर डैम की बात करते हैं, तो फायर डैम की बात करते हैं तो देखो, पहले तो समझो कि फायर डैम जो होता है वे ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस होता है। ठीक है, मतलब कि इसका कोई स्मेल नहीं, ओके, कोई कलर नहीं, टेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से फायर डैम मतलब ये हो गया। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। जो ये कह रही हूँ मैं कि इसका कोई मतलब ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, तो बेसिकली ये क्या होता है, क्या है ये, मीथेन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस को हम बोलते हैं बेसिकली CH4। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं व्हाइट डैम पे, व्हाइट डैम की बात कर लेते हैं। तो व्हाइट डैम का भी सेम है कि ये भी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम टू द ब्लैक डैम। ब्लैक डैम की बात करें तो देखो, ब्लैक डैम जो है ये ऑर्डरलेस तो होता है, कलरलेस भी होता है, लेकिन ये जो है इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक टाइप। ठीक है, एसिडिक होता है। अब यहाँ पे हम नाइट्रस फ्यूम्स की बात करेंगे। देखो, नाइट्रस फ्यूम्स की बात करें, इसको खांसी गैस बोलते हैं। क्या गैस, खांसी गैस। क्योंकि नाइट्रस फ्यूम्स अभी आगे काफी ज्यादा आने वाला है क्वेश्चन में, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत जितना अच्छे से आप इसको समझ सकते हो ना, उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो नाइट्रस फ्यूम्स की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रस फ्यूम्स जो है ये कलरफुल होता है। ठीक है, कलरफुल होता है मतलब इसमें कलर होता है, और जो मोस्टली आप देखोगे येलो से थोड़ा ब्राउनिश कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोस्टली ये जो है ओपन कास्ट माइन में देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब ब्लास्टिंग होती है तो उसके बाद जो गैस निकलती है ना, जो हुआ होता है, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा ब्राउनिश कलर जब सरफेस पे आता है तब। ओके, तो ये समझ में आया आपको, ओपन कास्ट माइन में गैस देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड में तो नहीं उतना दिखेगा, लेकिन हाँ ओपन कास्ट में आपको देखने को नाइट्रस फ्यूम मिल जाएगा। देखो नाइट्रस फ्यूम की अगर हम बात करें तो क्यों होता है, कब अकर होता है। देखो, जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं ना, उनके रिएक्शन से, जैसे कि मान लो एक्सप्लोसिव भी अगर आप फायर करते हो तो भी ये नाइट्रस फ्यूम निकल सकता है। जैसे कि आप जानते हो नाइट्रो, जब ब्लास्टिंग करते हैं तभी तो निकलता है ना ये, तो इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो अब जो ब्लास्टिंग हुआ उसमें अगर नाइट्रोग्लाइसरीन की मात्रा ज़्यादा होगी तब भी अच्छे से आपको नाइट्रस फ्यूम देखने को मिल जाएगा। तो आई होप इतना सारा एक्सप्लेन करने के बाद तो आप ये लगा ही लोगे ना भैया कि नाइट्रस फ्यूम का राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दी हूँ सॉल्यूशन में, आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, फिर उनको आंसर नहीं पता चलता और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम आंसर के साथ में बताते जाइए, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ। बेसिकली आपको बताना ये था कि हाँ सारे ऑप्शन को आप इस तरीके से समझो, तो आप कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ मतलब एक के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हो तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ, इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, सारे के बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से टिक कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, स्पेसिफिक
ग्रेविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिमिलर टू विच गैस, कहता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी सीओ टू की बात हो रही है, वो किसके सिमिलर होती है, किस गैस के सिमिलर होती है, किस गैस के इक्वल होती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप ये जानो कि जो आपका सीओ टू है ना, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.5 होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.5 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका सीओ टू का। ऑल राइट, अब ये समझो कि ये जो सीओ टू है ये एयर से भारी होता है, मतलब हवा से ये भारी होता है। ठीक है, जिसके कारण ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, डीपर सेक्शन साइड के, जो डीपर सेक्शन में, डीपर हिस्से में आपको ये देखने को ज्यादातर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, सीओ टू की बात हम कर लिए। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 1.5 का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इस चार ऑप्शन में से किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगा, किस गैस का, वाइट डैम, फायर डैम, ब्लैक डैम, स्टिंग डैम। तो भैया यहाँ पे जो ब्लैक डैम देख रहे हो ना, इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 होता है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया आपको जिसका टेस्ट जो है एसिडिक होता है, तो बस उसी तरीके से ब्लैक डैम जो है आपका 1.5 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सीओ टू जैसा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक डैम हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नाइट्रस क्यों। आप कहता है कि जो ये खासी गैस है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो पहले तो आपको हम एक चार्ट ही बता देते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना कितना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो अब यहाँ समझो, पहले तो ये जानो कि जो नाइट्रस फ्यूम इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 1.59 होता है। पहले तो जान ही लो इसको, ठीक, राइट आंसर इसका 1.59 हो जाएगा। लेकिन जो और भी चीज़ें दी गई हैं वो भी तो जानना जरूरी है ना भैया, जरूरी थोड़ी है कि आपको हर बार जो है उठा के नाइट्रस फ्यूम में दे देगा, नहीं देगा ना, कुछ भी दे सकता है उसका मन, आपके मन के हिसाब थोड़ी ना चलेगा, उसका जो भी मन होगा वो उठा कर दे देगा। तो नाइट्रस फ्यूम का पहले तो जान लो 1.59 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये हम बात करते हैं कि सबसे हल्का जो, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सबसे कम है वो किसका है, सबसे कम जो है वो है आपका हाइड्रोजन गैस का, सबसे हल्का गैस होता है ये, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.069। ठीक है, 0.069 ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का। ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट है मीथेन का 0.55 होता है, कितना होता है, 0.55। ठीक है, CH4। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो एक है, देखो यहाँ पे समझो कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.97 की बात करें अगर हम 0.97 की, तो एक तो हो गया आपका खूनी गैस, ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक हो गया आपका नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस हो गया आपका। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये दोनों का जो है कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 0.97। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक चार्ट ही पूरा मैंने बता दिया आपको, तो ये जरूरी है आपको समझना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो ब्लैक डैम इसका कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1.5। ठीक है, ऊपर बताया मैंने आपको, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया, आप भी जान लो। ठीक है, बस ये है कि रट लीजिए इसको, कैसे भी करके खा लो, रट लो, बिल्कुल जो करना कर लो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी गई हैं चार पांच, वो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाए, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ब्लैक डैम इज इक्वल टू, देखो जो ब्लैक डैम है वो किसके इक्वल है, किसके समान है, ये कहना चाह रहा है। N2 प्लस CO2, एक्सेस नाइट्रोजन प्लस CO2, या फिर एक्सेस नाइट्रोजन प्लस एक्सेस CO2, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे समझिए कि जैसे आपको एयर का कंपोजिशन देखा होगा आपने, ये एयर कंपोजिशन यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे आपको जो है 78% क्या है नाइट्रोजन है, और यहाँ पे जो है 21% आपका ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कुछ परसेंट जो है आर्गन और अदर गैसेस का होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, आर्गन होता है, और अदर गैसेस होते हैं। ठीक है, तो CO2 होता है 0.04%, और आर्गन कुछ 0.9 करके कुछ होता है, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो एयर का कंपोजिशन हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक, हवा में नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी अदर गैसेस होते हैं। तो लेकिन अगर जो हम आर्गन का इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो 79% मान लेते हैं, 79% जो है हमारा नाइट्रोजन हो गया एयर में, अगर 79% जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, और 79% नाइट्रोजन हो गया, हम आर्गन को मिला के बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब 79% ये आपका जो है नाइट्रोजन हो गया, अगर उसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यानी 2% और ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा, 81% हो जाएगा ना, 81% नाइट्रोजन हो गया। अच्छा, और जो आपका क्या है साथ में CO2, तो CO2 तो है ही, लेकिन जब 78 में कुछ और 2% जुड़ जाते हैं तो 81% हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम ये लिख सकते हैं कि 81% नाइट्रोजन हो गया, यानी कि
हमारा जो नॉर्मल है वो कितना है, 75%, तो समझ में आ रहा है, उसमें 2% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो वो बन जाता है एक्सेस नाइट्रोजन प्लस CO2। तो उस जब ये केस होगा ना, तब ब्लैक डैम यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो ब्लैक डैम ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन गैस मेड बाई। अब कहता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये कैसे बनता है। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि देखो हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है। ऑप्शन दिया आपका, बैटरी ओवर चार्जिंग, इनकम्प्लीट कम्बशन, आफ्टर डैम्प, या फिर सारे। देखिए यहाँ पे समझिए, बैटरी ओवर चार्जिंग से बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल बनता है। अब देखो मैं तो समझाऊँ आपको, देखो यहाँ पे समझो कि जो आपका यहाँ पे लिखा है बैटरी ओवर चार्जिंग, तो बिल्कुल देखो जब बैटरी ओवर चार्ज होती है तो बैटरी, पहले तो ये समझो कि जो बैटरी है वो उसमें वो कैसे बनता है, बहुत सारे केमिकल से बनता है ना, जिसमें जिंक और आपका हाइड्रोजन होता है, वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये समझो कि जब हमें पता है कि जब ये बैटरी आप रिचार्ज करोगे ना, है ना, मतलब जब रिचार्ज यानी कि ओवर, जब ओवर चार्ज होने लगेगा तो उससे क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन जो है, S2 की बात करें, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा उत्पन्न होगा। जब ज़्यादा उत्पन्न होगा तो ये हवा में क्या होंगे, बाहर की तरफ आएंगी, जब बाहर की तरफ आएंगी लीक होंगी हाइड्रोजन गैस, जो लीक होंगे तो ये जो है कुछ मात्रा में जो है ये एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। ठीक है, तो हवा में जब आई तो ये बहुत एक मतलब एक एक अमाउंट तक अगर हम बात करें कि विस्फोटक होती हैं, एक्सप्लोसिव होती हैं, जिसकी मात्रा अगर हम बात करें तो 4.1% से लेके 72% तक, जो 72% तक जो है इसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, विस्फोटक सीमा की अगर हम बात करें हवा में कितना होता है, 4.1 से 72% जो है हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्लोसिव का काम कर जाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे बनता है, ये समझ में आ गया। इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट कम्बशन तब अकर होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो, या फिर कम हो रहा हो, या फिर पुअर हो। ठीक है, तो वो वाटर तब भी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन जो प्रोड्यूस करेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में करेगी। देखो इनकम्प्लीट कम्बशन के अगर हम बात, मतलब ये होता है, ये तब अकर होता है जब एयर का सप्लाई जो है, या ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो क्या हो, पुअर हो या खराब हो, सही तरीके से ना हो पाए, तब होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन का मतलब ये होता है, देखो जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी जो फ्यूल है ना वो क्या करेगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा कम्प्लीटली, फ्यूल तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो जलेगा ही, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो इस तरीके से क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड तो तबाही मचा देगा ना, तो एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना है ना, तो वो क्या छोड़ देता है अपने पीछे, ऐश, एक तरीके से सूट होता है, बाय प्रोडक्ट है, तो ये छोड़ जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, ये हम इनकम्प्लीट कम्बशन की बात जब हम करेंगे तो, और आफ्टर डैम तो आप सभी को पता ही है, ऑल ऑफ द एबव, तो सारे ही राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, ठीक है, जब डैम करते हैं तो 6 तरीके के गैस निकलते हैं, उसमें आपका हाइड्रोजन गैस भी होता है ना, बहुत बढ़िया। चलो आज आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज फॉर्म बाई डीकम्पोजिशन ऑफ वुड एंड डेड एनिमल इन स्टैगनेंट वाटर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जैसे ठहरे हुए पानी है, उसमें लकड़ियां हैं, खराब लकड़ियां है ना, और डिकम्पोज हो गए टोटली, और बहुत सारे एनिमल्स, उसमें एनिमल्स की बॉडी है वहाँ पे पड़ी हुई है और डिकम्पोज हो रहे हैं, पूरी तरीके से खराब हो गए हैं, गंदे स्मेल आ रही है, तो वो कहना चाह रहा है यहाँ पे कि कौन सी गैस फॉर्म होती है उस गंदे पानी में, ठहरे हुए पानी से कौन सी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है, H2S होती है, CO होती है, ब्लैक डैम, या फिर CH4। तो CH4 आप सभी को पता है मीथेन है। ठीक है, ब्लैक डैम जानते हो आप, CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, H2S क्या है, H2S क्या है, H2S आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम और क्या बोलते हैं, सीवर गैस। ठीक है, सीवर गैस, तो सीवर जानते हो ना आप लोग, है ना, सीवर, सीवर टैंक सुना होगा आपने, वो सीवर गैस हो गया, स्वैम्प गैस हो गया, जो जो है मैं आपको बता दे रही, जरूरी नहीं कि आप आपको एक ही चीज़ यूज दे दे यहाँ पे आपको कि भैया इसको हम स्टिंग डैम्प बोलते हैं, लेकिन माइनिंग का पर्पज यही यूज किया जाता है, स्टिंग डैम्प सुना होगा आपने। ठीक है, स्टिंग डैम, सोर डम्प, जितने भी तरीके का, मतलब ऐसा वाला अगर बात कर रहा है कि बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, या अजीब तरीके से गंदा सा स्मेल को, मतलब गंदा सा स्मेल को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे सोर, स्टिंग, यहाँ पे स्वैम्प टाइप का यहाँ पे वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल आती है, ऑलराइट, पंजेंट स्मेल। ठीक है, जो भी तीखा, बहुत अजीब सा, जिसको मतलब सुन के दिमाग ही खराब हो जाए, जैसे हाँ, जैसे आपका जो रॉटन एग होता है ना, मतलब एग जो है, एग,
एक अगर मान लो कहीं गिरा दो, मतलब आप ऑमलेट बना रहे हो, आप ऑमलेट बना रहे हैं उसके बाद उसमें से दो अंडा फोड़ा हमने, और ऑमलेट बनाने के लिए तीसरा अंडा जैसे फोड़ने के बाद धपाक से नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिर जाएगा, अब आप उसको लगाओगे पोछा, यहाँ पे पोछा लगाओगे है ना, पोछोगे उसको, लेकिन कितना भी कर लो वो जो स्मेल है ना गंदा वाला वो वहां से नहीं जाएगा। ये जो स्मेल आ रहा है यही स्मेल है, इसी को हम बोलते हैं ठीक है स्टोर डैम है ना, तो ये इसी का स्मेल आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पे इसका लो कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे ही स्मेल आता है ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ये क्या है एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड हाईली टॉक्सिक, मतलब बहुत ज्यादा क्या है फ्लेमेबल, जो आग लगा दे है ना, टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, तो ये समझना जरूरी है हाइड्रोजन सल्फाइड की जब हम बात करेंगे। ओके अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें तो इसको यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आप ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग की बात कर लें, माइनिंग में तो होती ही है, और आपका पल्प एंड पेपर प्रोसेसिंग में होता है, रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग, रेयॉन सुना होगा आपने फाइबर टाइप का, उसमें यूज होता है ठीक है। तो ये जो नेचुरली अगर हम बात करें तो कहाँ पे यह अक्कर होता है, सीवर में मैन्योर में है ना, खाद में, पिट्स में, गड्ढे जो होते हैं आपके ऑयल गैस वेल्स में, वहाँ पे वोल्केनो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होता है एयर से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बहुत बहुत से मतलब लो लाइन जहाँ पे बहुत इनक्लोज स्पेस जहाँ पे होगा ना वहाँ पे ये देखने को आपको मिल जाएगा ठीक है। जैसे कि मैन होल हो गया, मतलब मैन के द्वारा जो गड्ढे खोदे जाते हैं वहाँ पे हो गया, सीवर हो गया, सीवर पाइप, अंडरग्राउंड टेलीफोन वॉल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये बहुत बंद स्पेस में अगर है, मतलब स्पेसिफिक लिमिटेड मतलब स्पेस में अगर इसको रखा गया है ये गैस अगर है तो बहुत ही ज्यादा डेंजेरियस है ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है यहाँ पे। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट रिलेटेड टू जीवीए, जनरल बॉडी ऑफ एयर। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो आपका जीबीए है ये क्या है, जनरल बॉडी ऑफ एयर, कहता है यहाँ से कि कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है, सॉरी यहाँ पे रिलेटेड होगा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, नॉट रिलेटेड टू जीबीए, तो जीबीए से रिलेटेड नहीं है। तो जनरली आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं, मैं बता रही हूँ आपको, देखो समझो, जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब ये होता है कि जो जनरल एटमोसफेयर होता है ना कोई सीन में, जैसे कि जिसमें एटमोसफेयर हो गया तो रूफ कैविटी का, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, जनरल एटमोसफेयर इन द फील्ड ऑफ एरिया ठीक है, या फिर कोई भी बोर होल है जहाँ पे हम ड्रिल करते हैं ना, होल में कोई भी बोर होल को ड्रिल करते हैं, या फिर कोई भी एडजस्टेंस डाटा में अगर हमको ड्रिल करते हैं, तो वो चीज़ें हो गई। तो जीबीए में रिटर्न साइड एयर है बिल्कुल है, रूफ कैविटी है, फेस एयर है, फील्ड ऑफ एरिया नहीं ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर, तो ये समझ रहे हो, तो मतलब जनरल एटमोसफेयर की बात हो रही है सीन में ठीक है। तो जाहिर सी बात है फील्ड ऑफ एरिया में थोड़ी ना होगा, जहाँ पे आप खुली आप एयर आ सके जा सके, रूफ कैविटी में होगा, फेस एयर में होगा, फील्ड ऑफ एरिया में तो नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं जीबीए क्या होता है ठीक है, ये समझ लीजिए। चलो मेनली वेंटिलेशन चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, एट व्हाट परसेंटेज डज द वॉयलेंट एक्सप्लोजन ऑफ फायर डैम अकर। अब कितने प्रतिशत तक ये जो आपका फायर डैम है वो अकर हो सकता है, मतलब वॉयलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है उसका, ये कहना चाह रहा है ठीक है, मतलब जब वॉयलेंट एक्सप्लोजन हो जाए तो कितने प्रतिशत तक ये आपका हो सकता है, 5.4, 14.8, 9.6 या फिर 12%। तो ये देखो यहाँ पे आप समझो जो 5.4% आपका लिखा है ना, ये लोअर एक्सप्लोजन लिमिट है, लोअर एक्सप्लोजन ऑलराइट। अगर हम 14.8 की बात करते हैं तो ये तो अपर लिमिट होगी, मतलब बहुत ही भयानक अपर लिमिट है ठीक है, यहाँ पे क्या बोला वॉयलेंट एक्सप्लोजन। 9.6 की बात करते हैं तो ये तो आपका प्रबल है ठीक है, प्रबल वॉयलेंट एक्सप्लोजन हो जाएगा। जो आपका 12% है, ये जो आपका प्रबल वॉयलेंट है ना, ये 1/11 1/11 पार्ट है आपका किसका, ऑक्सीजन का ठीक है, 1/11 पार्ट है ऑक्सीजन का, मतलब ये बेस्ट मिक्सचर है किसी भी भयानक तरीके से वॉयलेंट एक्सप्लोजन करने का। दूसरा है तीस, मतलब चौथा है आपका 12%, मतलब कि कोई भी वॉयलेंट एक्सप्लोजन करने के लिए ये तो नीडेड है, मतलब मस्ट है ठीक है, 12% इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है। तो ये क्या है, इट इज नीडेड फॉर ब्लास्टिंग और एक्सप्लोजन ठीक है, तो ये समझो इसके नीचे अगर कोई आपका जाएगा, इसके नीचे परसेंटेज जाएगा तो ब्लास्ट नहीं हो सकता ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 9.6% ठीक है, ये प्रबल यानी कि वॉयलेंट एक्सप्लोजन का सही मात्रा में अगर हम बात करें तो सही परसेंटेज इसका फायर डैम का अकर होने का हो जाएगा, 9.6% ठीक है। 12% तो होगा नहीं, क्योंकि इससे कम आप जाओगे तो आपका हो ही नहीं पाएगा, फायर डैम अकर ही नहीं होगा, तो 9.6% होना चाहिए ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखो व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रस फ्यूम्स। अब देखो हम नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा ऊपर है ना, फालतू में तो पढ़ नहीं रहे थे, कुछ तो सीखा ही होगा आपने, इतना तो बता ही दोगे। तो परमिसिबल लिमिट बोल रहा है नाइट्रस फ्यूम का कि
कितना होना चाहिए, 10 ppm होता है, 5 ppm, 50 ppm या फिर 20 ppm। देखो 5 ppm जो है ना, ये आपका नाइट्रस फ्यूम का परमिसिबल लिमिट हो जाएगा, ठीक है। कितना? 5 ppm परमिसिबल लिमिट, ठीक है, परमिट किया गया है, इतनी की बात हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर समझो कि जब ब्लास्टिंग होती है, माइंस में ब्लास्टिंग हुई, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वेट करना होता है। ये नहीं कि ब्लास्टिंग हुई हम पहुँच गए वहाँ पे, अपना कारीगरी दिमाग लगा के पहुँच गए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, ऐसा नहीं करना है कि यार ठीक है ब्लास्टिंग तो हो ही गई है ना, चलो पहुँच जाओ। बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे ही ब्लास्टिंग होती है तो एक गैस बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे रह जाती है कुछ समय के लिए। कौन सी गैस है वो? भैया नाइट्रस फ्यूम्स ही तो है, और इसकी बात हो रही है यहाँ पे, नाइट्रस फ्यूम्स ही है, इसी की बात हो रही है। जब ये वही गैस है, समझो ये वही गैस है नाइट्रस फ्यूम्स, मतलब जैसे एक बार क्या हुआ कि अचार बनाया जा रहा था, ठीक, मेरे घर में अचार बन रहा था, अचार बन रहा था, तो मेरी माता जी जो है उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम जो है लाल मिर्च जो होता है ना, खड़ा वाला लाल मिर्च, तो उसको हम क्या करते हैं, उन्होंने जो है उसको सुखाया, तो सुखाया तो सोची कि लाओ थोड़ा उसको भून भी देते हैं, तो कढ़ाई में उठा के जो है वो भूनने लगी थोड़ा सा। अब थोड़ा सा करते करते थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब भैया वो इस कदर, मतलब इस कदर वो, मतलब ऐसा रुलाया ना हम लोग को, खांसते 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 हम लोग का हालत बुरा हो गया था, और इस कदर मैं खांस रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो, मतलब आँख से आंसू आ रहा है, और ऐसा लगा दिल बाहर आ जाएगा, फट जाएगा, और मैं खांसने की कैपेबिलिटी ही खत्म हो जा रही है पूरी। किस तरीके से खांस लूँ मैं कि ये थोड़ा मेरे को नॉर्मल हो जाए? 1 घंटे के बाद, लिटरली 1 घंटे के बाद जाके वो नॉर्मल हुआ, समझ रहे हो, मतलब वो घर के अंदर की बात करें। अब घर तो जान रहे हो यहाँ पे बहुत कैसा होता है, बदमन टाइप का होता है, तो बहुत दिक्कत मतलब हुई, बिलीव नहीं करूँगा, बस एक गलती की वजह से कि लाओ उसको थोड़ा सा भून लिया जाए है मिर्चा को। तो बस वही जो यहाँ पे सोच रहे हो, मतलब 5 ppm की बात कर रहे हो परमिसिबल लिमिट, अगर मान लो वो 100 ppm कर दें अगर, तो क्या होगा? माइंस में जो तुरंत ही ब्लास्ट होती है ना, वहाँ पे 100 ppm तक ये आपका नाइट्रस फ्यूम का लिमिट रहता है। सोच पा रहे हो कहाँ 5 ppm, कहाँ 100 ppm, मतलब इंसान मर जाएगा यहाँ पे इतना अगर पहुंच गया ना वहाँ पे। कुछ लोग रहते हैं कि पहुंच जाते हैं वहाँ पे कारीगरी करने, तो बहुत सारे माइंस में ऐसा केस हुआ है कि यहाँ पे लोगों की जो है मतलब उस एटमोसफेयर में रहा है, और उसके बाद बहुत उसकी हालत खराब हो गई है, खांसते खांसते ये वो, तो जो जैसे ही उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, तो कुछ केस में ऐसा हुआ है कि उनको निमोनिया हो सकता है, ठीक है, निमोनिया हो जाएगा, या फिर हॉस्पिटल ले जाते ही मतलब उनके बीच में ही डेथ हो गई। तो ये केस बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये डेंजरियस है एक तरीके से समझो। तो यहाँ पर परमिसिबल लिमिट की बात हो रही थी, तो नाइट्रस फ्यूम्स का 5 ppm होता है, ठीक है, तो ये बहुत एडवर्स इफेक्ट है इसका नाइट्रस फ्यूम्स का, अगर हम बात करें तो, क्योंकि पहले वो पहले नहीं था लेकिन CMR में जो है इसको अब अंकित कर दिया गया है, ठीक है, ये समझ में आया। चल अब हम देखो बात करते हैं, तो इस हिसाब से जो हम नाइट्रोग्लाइसरीन की अगर हम बात कर रहे थे, देखो नाइट्रोग्लाइसरीन की जब हम बात कर रहे थे, और क्या था, गन पाउडर, दो चीज को बैंड कर दिया गया। नाइट्रोग्लाइसरीन को जो है ये आपको जो है अंडरग्राउंड माइन में के लिए बैंड कर दिया गया, और गन पाउडर जो है ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइन के लिए, दोनों के लिए जो है इसको बैंड कर दिया गया, ठीक है, ये समझ में आ रहा आपको? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन गन पाउडर। ओके, तो देखो आपका अगर हम बात करें, ये आपका देख रहे हो ना 10 ppm लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए, ठीक है, 10 ppm का परमिसिबल लिमिट किसका है? ये 10 ppm हाइड्रोजन सल्फाइड का। SO2 की बात करें अगर हम, SO2, ठीक है, तो ये जो 5 ppm आपको बता रहे थे ये नाइट्रस फ्यूम की है और SO2 की है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका अगर हम बात करें कि 50 ppm किसका है, सिर्फ 50 ppm जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, फूलिंग गैस जिसको बोलते हैं। अगर हम 19% बात करें, माइंस में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो समझ रहे हो, मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी। तो CO2 की अगर हम बात कर लेते हैं, CO2, CO2 किसका, CO2 का अगर हम बात करें तो देखो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये गैस जो है माइन में 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, CO2 गैस की बात कर लें। अच्छा, अब मीथेन की बात कर ले, CH4 की बात कर ले, मीथेन इसका जो है 1.25% से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए माइन में, ठीक है, ये बता दिया आपको, एक लिमिट बता दिया मैंने सारे का। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच गैस इज रिलीज द मोस्ट व्हेन गन पाउडर कंटेनिंग नाइट्रोग्लाइसरीन इज यूज्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो गन पाउडर होता है उसमें नाइट्रोग्लाइसरीन तो यूज़ किया जाता है, तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो कौन सा गैस ज़्यादा रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस फ्यूम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, कौन सा गैस रिलीज होता है यहाँ पे?
ठीक है, तो ये देखो अभी जैसे कि ठीक मैंने ऊपर अभी बताया कि जब ब्लास्टिंग होती है तो फटाक से वहां से नाइट्रोफ्यूम्स यहाँ पे जनरेट, क्या नाइट्रोफ्यूम्स आपको वहां पे वो गैस जो है बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो नाइट्रोफ्यूम्स की बात जब हम कर रहे थे तो हमने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोग्लाइसिन जो होता है वो अगर उसमें ज्यादा मात्रा अगर होती है तो आपको वहाँ पे कलर दिख जाएगा, है ना। तो नाइट्रो सॉरी सही कर लीजिए, तो नाइट्रोग्लाइसिन है। तो यहाँ पे क्या होगा इस राइडर, नाइट्रोफ्यूम्स ही तो होगा ना। नाइट्रोफ्यूम्स गैस जो रिलीज होता है जब गन पाउडर में नाइट्रोग्लाइसिन की मात्रा ज्यादा यूज की जाती है तब, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो कि मेटल्स जो होते हैं माइन में, आप जानते हो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स को वेल्ड किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है ना इलेक्ट्रिकली, या फिर काटते भी हैं इसको ऑक्सी एसिटिलीन या फिर प्रोपेन और ब्यूटेन फ्लेम्स के द्वारा। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका नाइट्रोजन है ना ये एयर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है हीट के द्वारा, तब फिर यहाँ पे आपका नाइट्रोफ्यूम जनरेट होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये जनरेट होता है नाइट्रोफ्यूम, ठीक है। अब जब हम इतना बात करें तो नाइट्रोग्लाइसरीन की थोड़ा बात भी कर लेते हैं। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो हाँ क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने को आपको, C3H5ONO23, ठीक है, ये आपका जो है क्या है केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर हम नाइट्रोग्लाइसरीन की बात करें तो इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है, अप्रॉक्स आपका अगर बात करें तो 18.5% जो है इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है जो कि बहुत हाई है। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ऑक्सीजन आइटम्स होता है ताकि जो क्या करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती है आराम से, जो कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं उसको आराम से ऑक्सीडाइज कर सकता है जब नाइट्रोजन लिबरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये समझना हमें यहाँ पे जरूरी है, इसीलिए जो है इसको मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव कहा जाता है, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन को। बहुत बढ़िया, अब तो इसका आइटम से क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच माइंस फायर डैम कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे कह रहा है इधर स्पेलिंग की मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, फायर डैम कर लीजिए इसको, ठीक है। फायर डैम इन विच माइंस फायर डैम कैन बी फाउंड, तो कहता है कि कौन से माइन में जो फायर डैम आपको देखने को मिलता है, तो एका माइन, पोटास माइन, रॉक सॉल्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो किस माइन में फायर डैम की यहाँ पे बात हो रही है, तो फायर डैम देखो एक तरीके से क्या है, फायर डैम जो है मीथेन ही तो है ना, CH4 की बात हो रही है मीथेन। तो इसकी अगर हम बात करें तो फायर डैम जो है एक माइनिंग टर्म, मतलब फॉर अ सेट ऑफ एक्सप्लोसिव गैसेस फाउंड इन माइन, मतलब एक तरीके से कुछ गैस सेट है एक्सप्लोसिव गैसेस का जो कि माइन में पाई जाती है, तो बेसिकली इसको हम मीथेन गैस बोलते हैं। तो मोस्टली जो है ये मीथेन से बना होता है और इसीलिए जो है इसको हम ये इंटरचेंजेबल टर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं फायर डैम की। तो इस तरीके से मीथेन गैस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलरलेस, ऑडरलेस और हाईली फ्लेमेबल गैस है, हाईली एक्सप्लोसिव नॉक्सियस गैस भी आप सभी को पता है। तो इसी की बात हो रही है कहाँ कहाँ ये देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइका माइन लिखा है, पोटैश माइन, रॉक सॉल्ट और ऑल ऑफ द अबव। देखो माइका माइन में यहाँ पे देखो एक बार क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका फायर डैम की बात कर रहे हैं तो माइका माइन की बात कर रहे हैं। देखो माइका माइन में क्या हुआ कि यहाँ पे एक बार एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है कई बार, तो यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव, जब एक्सप्लोजन हुआ था तो आग, यहाँ पे आग आग लग गई थी यहाँ पे, ठीक है, फायर डैम यहाँ पे आग लग गई थी, तो इसमें से बहुत सारे लोग जलबल गए थे, तो उसके वजह से यहाँ पे ये मान लिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे फायर डैम पाया जाता है ना माइका माइन में। नेक्स्ट है पोटास माइन, तो पोटास माइन में यहाँ पे पोटास माइन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो पोटास माइन की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, फिटकरी, तो फिटकरी जो है किससे बनता है, पोटास से बनता है, ठीक है। तो यही फिटकरी जो मेंस लोग जो है दाढ़ी बनाते हैं तो फिर बाद में लगाते हैं उसको, तो काफी सही लगता है उनको, वही फिटकरी की बात हो रही है, ठीक है, पोटास माइन। ये समझ में आ रहा, बिल्कुल यहाँ पे भी यूज किया जाता है फायर डैम मीथेन, यहाँ इस माइन में भी रॉक सॉल्ट की बात हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पे भी यूज की जाती है। तो देखो ये अगर हम बात करें पोटास माइन की तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें रॉक सॉल्ट की तो काला नमक सुना होगा ना आपने, रॉक सॉल्ट उसको बोलते हैं, तो ये काफी ज्यादा मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है और मतलब लेबोरेटरी में यूज किया जाता है केमिकल्स वेमिकल्स बनाने में और फर्टिलाइजर में भी बनाने में यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है चारों ही राइट आंसर, ठीक है, मतलब तीनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ओके। इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस स्मेल्स लाइक अ रोटन एग एंड टोमेटो व्हेन इट एमिट्स। अब तो देखो भैया पहले तो ये समझो कि रोटन एग क्या है, ये रोटन एग क्या मतलब, जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि रोटन एग मतलब खराब अंडा जो हो गया, तो उसके बाद कह रहा है यहाँ पे खराब टमाटर हो गया, खराब अंडा हो गया, तो उससे जो स्मेल आती है तो वो कौन से गैस की स्मेल होती है कहना चाह रहे हैं, कौन सा गैस ऐसा स्मेल करता है। तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि भैया वो कौन सा गैस है,
तो हाइड्रोजन गैस तो होगा नहीं, SO2 भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो H2S है। कौन सा गैस? H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ही पंजन टाइप का स्मेल लेकर आता है, दिमाग ही खराब हो जाता है। ठीक है, पंजन टाइप का स्मेल होता है, कलरलेस, फ्लेमेबल, एक्सट्रीमली हैजर्डियस गैस विद ए रॉटन एग स्मेल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ कॉमन नेम मैंने आपको पूरा लिख के बताया ना, फीवर गैस होता है इसको, स्टिंग गैस बोलते हैं, स्टिंग टैम्प बोलते हैं, और स्वैम्प गैस, मैन्योर गैस, जो भी बोल सकते हो इसको। मोस्टली कहाँ पे अक्कर होता है? क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हॉट स्प्रिंग्स में। ओके, नेचुरली की बात हो रही है यहाँ पे, वोल्केनो में भी देखने को मिलेगा स्मेल ऐसा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, आ रहा होगा, आ रहा है तो जरा एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ H2S? यहाँ पे H2S की बहुत बात हो रही है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2S यानी कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोसिव लिमिट की बात हो रही है, कितना इसका एक्सप्लोसिव लिमिट होता है? 5.4 टू 14.8, 12.5 टू 74%, या फिर 4 टू 75%, या फिर 4 टू 45%। देखो, 4 टू 45% जो है ना, 4 टू 45% जो है, ये आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सप्लोसिव लिमिट होता है। क्या एक्सप्लोसिव लिमिट कितना होता है? कितना होता है? 4 टू 45%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, बिल्कुल समझ के जाना है, ये नहीं कि बस रट के चले गए, पता चला वहां जाके भूल गए, ये नहीं करना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग बताया मैंने आपको, माइनिंग में, टैनिंग में, पल्प पेपर प्रोसेसिंग में, रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसके लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि क्लोज स्पेस में आप इसे यूज करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है ना, तो एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए इसलिए जो है इसको काफी बड़े एरिया में और खुले थोड़ा एरिया में इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आया होगा। अच्छा, क्लासेस कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और बाकी सब तो आप देख ही रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग का प्यार इस तरीके से बने रहे, और बाकी हम इस तरीके से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे आपको, जेन्युइन वीडियो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए नहीं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।